कहा एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो इसका पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये एक मीनार है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। अब यहाँ खड़ा व्यक्ति, बिंदु ए पर खड़ा व्यक्ति एक कार को देखता है, ठीक है, जो बिंदु कहाँ पर है, सी पर है। जब ये सी पर है तब इसका जो कोण है कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। फिर कुछ समय पश्चात यानी 6 सेकंड बाद कार को देखता है तो इसका एंगल हो जाता है कितना, 60 डिग्री। सी से इस बिंदु डी तक की दूरी दे रखी है कितना, सॉरी दूरी नहीं, समय दे रखा है 6 सेकंड, ठीक है। ये 6 सेकंड हमारे यूज़ आएंगे लास्ट में क्योंकि हमें निकालना है क्या, बी से डी तक पहुंचने में उसको कितना समय देर लगेगा। सी से डी तक पहुंचने का समय दे रखा है 6 सेकंड। चाल दे रखी है बराबर, यानी जिस चाल से यहाँ तक पहुंची उसी चाल से बिंदु डी से बिंदु बी पर पहुंच रही है वो कार। तो पहले हम कर लेते हैं रचना, उसके बाद देखेंगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, माना ए बी क्या है, मीनार है। माना ए बी मीनार है, माना ए बी मीनार है, और सी बी क्या है, एक राजमार्ग है। सी बी एक क्या है, राजमार्ग है। सी बी एक राजमार्ग है, राजमार्ग है, ठीक हो गया। और सी कार की पहली स्थिति है, जो सी है वो कार की पहली स्थिति है, यहाँ लिख लेते हैं सी कार की पहली स्थिति है, पहली स्थिति है। फिर उसके बाद डी 6 सेकंड बाद कार की दूसरी स्थिति है, और डी 6 सेकंड बाद कार की दूसरी स्थिति है, दूसरी स्थिति है। योगी बच्चों रचना। अब हमें निकालना है क्या है, बी डी ज्ञात करना है। तो यहाँ देख लेते हैं सी डी, सी से डी तक जाने में लगा समय, यहाँ लिख लेते हैं सी से डी तक कार को जाने में लगा समय, यह मैं दे रखा कितना, 6 सेकंड। अभी इसका काम लास्ट में आएगा, पहले हम दूरी निकाल लेते हैं, यहाँ की दूरी पता चल जाएगी, फिर हम यहाँ की दूरी निकालेंगे, ठीक है। और समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। अब यहाँ समय दे रखा है, दूरी हम निकाल रहे हैं, लास्ट में हम चाल निकाल लेंगे। पहले हम सी डी की यहाँ से चाल निकाल लेंगे, फिर वही चाल रख देंगे हम कहाँ पर, यहाँ पर, इसके हम दूरी निकाल लेंगे, चाल हमें यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। दूरी बट्टे चाल से हम समय निकाल लेंगे, किसका, बी डी का। तो ले लेते हैं, पहले लेते हैं हम क्या, ले लेते हैं 60 एंगल 60। तो जब एंगल 60 लेंगे तो देखो यहाँ एंगल बन रहा है, इसके सम्मुख बजाय क्या हो जाएगी, लंब बट्टे आधार। तो देखो जो बी है वो समकोण है, तो ले लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। तो आ जाएगा टेन 60, लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन, तो हमने ले लिया टेन, बराबर हो जाएगा ए बी बट्टे में क्या आ जाएगा, बी डी, ठीक है। तो ऐसे हम क्या निकाल लेते हैं, किसका मान, देखो टेन 60 का मान होता है √3, बराबर में आ जाएगा ए बी बट्टे बी डी। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं किसका मान बच्चों, बी डी का। बी डी हमारी क्या निकल जाएगी, यहाँ से दूरी निकल जाएगी, तो बी डी बराबर आ जाएगा √3 ए बी, ये हमारी निकल गई दूरी, ठीक हो गया। अब दूरी निकल गई, अब यहाँ से हम ले लेते हैं पहले एंगल सी कौन सा, 30, यहाँ पे ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में क्या आ जाएगा, 10 30 बराबर आ जाएगा ए बी बट्टे में क्या आ जाएगा, बी सी। 10 30 का मान 1/√3, बराबर में देखो आ जाएगा ए बी बट्टे बी सी को लिख सकते हैं हम क्या, बी डी प्लस सी डी, √3 की गुणा, यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा √3 ए बी, बराबर में देखो क्या आ जाएगा, बी डी। बी डी का मान अभी हमने निकाला कितना, √3 ए बी, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम कितना, √3 ए बी, बी प्लस क्या है हमारे पास, सी डी, ठीक
ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं कहीं थोड़ी सी हो रही कैलकुलेशन गलत, देखते कहाँ पर हो रही है। देखो बच्चों यहाँ पर हो रही है गड़बड़, ये जो √3 है कहाँ पे आएगा, ए बी के बट्टे में आएगा। देखो बी डी जब हमने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराई तो बी डी √3 हो गया, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं √3 बी डी बराबर में ए बी, तो बी डी का मान चाहिए तो यहाँ से आ जाएगा ए बी बट्टे √3। ठीक है बच्चों यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, अब ठीक है। तो यहाँ से देखो बी डी का मान अभी हमने निकाल लिया था कितना, ए बी बट्टे √3, और यहाँ से हमें देखो बी डी का मान रखना था जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराई तो बराबर में आ जाएगा बी डी प्लस सी डी। देखो बी डी प्लस लिख लेते हैं यहाँ पे हम बी डी प्लस सी डी, और ए बी की गुणा √3 में कराएंगे तो हो जाएगा √3 ए बी। तो यहाँ से लिख लेते हैं √3 ए बी बराबर में, देखो बी डी का मान निकाला हमने कितना, ए बी बट्टे √3। तो यहाँ पे साइड से दिखा देते हैं बी डी बराबर ए बी बट्टे √3 ब्रैकेट में, तो इस बी डी का मान रख देते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी बट्टे में √3 प्लस सी डी। तो यहाँ से बच्चों सी डी का मान निकालना है, ए बी बट्टे √3 को ले आते हैं हम लेफ्ट साइड में, तो ये आ जाएगा यहाँ देख लेते हैं √3 ए बी माइनस में ए बी बट्टे √3। ठीक है अब हर बराबर करेंगे इसके बट्टे में ले लेते हैं हम एक, बराबर में रहेगा हमारे पास सी डी। तो यहाँ से सी डी बराबर क्या आ जाएगा, √3 की गुणा √3 में कराएंगे आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा ए बी माइनस ए बी बट्टे में रहेगा √3। ए बी देखो दोनों में कॉमन है तो यहाँ से आ जाएगा ए बी बाहर आ गया, अंदर बचा 3, और यहाँ पे बचा माइनस का 1 बट्टे में √3। तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, ए बी बराबर आएगा 3 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 2 बट्टे में कितना √3। ये क्या निकल के आ गया, सी डी। देखो सी डी क्या है, सी डी निकल के आ गया बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 2 ए बी बटे √3, और समय दे रखा है। ठीक है समय मिल गया दूरी मिल गई तो हम चाल निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हमारे हमें मिल क्या मिल जाएगी, चाल। अब उस चाल का यूज़ हम कहाँ करेंगे, बी डी का समय निकालने में। तो लिखेंगे सी डी दूरी तय करने में कार को लगा समय, समय बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बट्टे चाल। अब समय दे रखा है कितना, 6 सेकेंड। दूरी अभी हमने निकाली, सी डी की दूरी कितनी है, 2 ए बी बट्टे √3, तो 2 ए बी बट्टे √3 पूरे के बट्टे में क्या आ जाएगा, चाल देखो कितनी है, चाल निकालनी है। ठीक है बट्टे में रहेगा क्या, चाल। ठीक हो गया, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो चाल चल जाएगा यहाँ, 6 आ जाएगा किसके बट्टे में, √3 के बट्टे में। तो यहाँ से लिख लेंगे हम चाल बराबर आ जाएगा 2 ए बी बट्टे में क्या आ जाएगा √3, और इस पूरे के बट्टे में कितना, 6। अब इसके बट्टे में हम ले लेते हैं एक। देखो बच्चों यहाँ 2 ए बी बट्टे √3 है, एक चीज़ यहाँ समझने वाली है आप लोगों की, 2 ए बी बट्टे √3 बट्टे में कितना है, 6। अब देखो ये 6 जाएगा कहाँ पर, इस √3 के साथ गुणा में, क्यों, क्योंकि देखो ऊपर 2 है और नीचे 1, और अगर होता ये 2 ए बी, और देखो 2 ए बी खाली ऊपर हमारे पास आंसर रहता और हमारे पास होता कितना बट्टे में, √3 बट्टे 6, यानी ये दोनों रहते एक साथ। ठीक है तो ये 6 जाता कहाँ, ऊपर। ठीक है अब यहाँ देखो ये दोनों एक साथ है, 6 अकेला है तो 6 कहाँ जाएगा, √3 के साथ। यहाँ ज़्यादातर बच्चों को क्या होती है, कन्फ्यूजन होती है, तो ये बच्चों कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखनी है। तो ऐसे देखो √6, सॉरी ये जो 6 है आ जाएगा किसके साथ, √3 के साथ गुणा में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं चाल बराबर कितना आ जाएगा, 2 ए बी बट्टे 6 √3, इस 2 से ही हो जाएगा कट। तो यहाँ से हमें चाल मिल जाएगी कितनी, चाल बराबर आएगा ए बी बट्टे में आएगा कितना, 2 3 6 3 √3, चाल मिल गई। और हमें दूरी दे रखी है बी डी की, कितनी निकाली थी अभी हमने बी डी की दूरी, देखो बी डी की दूरी निकाली थी हमने ए बी बट्टे √3। तो यहाँ उसके बाद बच्चों कैलकुलेशन आप यहाँ कर लेना, आप उसी के आगे करना, बट मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो लिखेंगे बिंदु बी तक कार को जाने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बट्टे चाल। दूरी दे रखी है ये देखो बी डी, दूरी निकाली थी हमने कितनी, ए बी बट्टे √3, और चाल हमने कितनी निकाली अभी बच्चों, चाल हमने निकाली है ए बी बट्टे
बट्टे तीन रूट तीन, तीन रूट तीन। अब देखो चार पद हो गए हमारे पास, तो ये हो जाएगा दूसरा तीसरा और पहला चौथा। तो कर लेते हैं यहाँ से ए बी, ये रूट तीन बट्टे रूट तीन सबसे ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ से आएगा तीन रूट में तीन बट्टे में देखो रहेगा रूट तीन, और ए बी आ जाएगा सामने। देखो ए बी गुणा में आ जाएगा तीन रूट तीन, ए बी गुणा में आ गया तीन रूट तीन, और यहाँ पे रूट तीन रहा ये, और गुणा में आ गया ए बी। इस ए बी से ए बी हो जाएगा कट, और रूट तीन से हो जाएगा रूट तीन कट। तो समय निकालना था, तो समय बराबर कितना आ गया बच्चों, 3 सेकेंड। तो आप लास्ट में क्या लिख सकते हैं कि बिंदु डी से बिंदु बी तक जाने में कार को लगा समय बराबर 3 सेकेंड। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15B कंप्लीट।